वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश में हुए खरगोन में रामनवमी पर हुए हिंसा पर विवाद थम नहीं रहा है। वहां के हालात को देखते हुए वहां पे कर्फ्यू भी लगाया गया है। वहीं सरकार उपद्रवियों पर लगातार बुलडोजर चला रही है। उस हिंसा में पथराव के दौरान बहुत से घरों में आग भी लगी थी और बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। वहीं अब हिंसा को लेकर मामा ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार खरगोन हिंसा के प्रभावितों को घर मुहैया कराएगी। दरअसल भोपाल में स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अंबेडकर जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा, अगर कोई दंगा फैलाता है तो मामा छोड़ेगा नहीं। कुछ लोग तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है और जारी रहेगी। खरगोन में गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को जलाया गया है। कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, आग लग जाए, दंगे भड़क जाए, खरगोन में क्या हुआ? फिर खरगोन के और पूरे प्रदेश के बहनों और भाइयों, मैं आपसे शांति और सद्भाव बनाने की अपील करता हूं। अपनी सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए कोई चिंतित ना रहे। मैं साफ कह रहा हूं, किसी वर्ण के हो, किसी पंथ के हो, किसी धर्म के हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए है। लेकिन अगर किसी ने दंगा फैलाया तो मामा छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत में। और ये कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं अपने संबोधन के दौरान सीएम ने पूछा कि जिन लोगों ने घरों को जलाया है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं। मामा दोबारा घर बनवाएंगे, मैं उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई भी करवाऊंगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अब बताइए, ऐसे लोग जिनने घर जलाया उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि वो राज्य में तनाव पैदा करना चाहते हैं, वो लोगों को उकसाकर शांति को प्रभावित करवाना चाहते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भाजपा सरकार सभी धर्म और जाति के लोगों का आदर करती है और सभी को सुरक्षा प्रदान करती है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए देखते रहे वीके न्यूज।